जरा गल समझनी कि जे सोचिए कि श्री कृष्ण ने आ जाना वजूदी तौर पर खड़ जाना है और दुनिया तो अधर्म मिट जाना है तो यदा मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो खुद वजूदी तौर पर सी तो अधर्म तो उदो भी दुनिया से बहुत हो रहा है, उदो भी पांडवों नाल कितना अधर्म होया, और इत्थे तक कि युद्ध भी श्री कृष्ण के हुंदे ही लड़िया गया। याद रखना सारे जी, जे असी कहिंदे कि श्री कृष्ण आ जाते तो सारा धर्म खत्म हो जाना उन्होंने आने नाल ही, तो सिर्फ आने नाल ही धर्म खत्म होने वाली कोई गल नहीं है, क्योंकि उदो मौजूद सी तो उदो भी उन्होंने जंग लड़नी पई, अर्जुन को तैयार करना पिया। पर इत्थे असी एक गल थोड़ी गहराई दी जांदे जांदे दसना चाहवांगे कि अधर्म साडे सब दे अंदर ही है, क्योंकि असी कहा कि दुर्योधन अंदर बड़ा क्रोध से, उन्हें क्रोध में हेरा फेरियां कीतियां पांडवों नाल, यह अधर्म सी, ता क्रोध साडे अंदर भी सारे अंदर है। इहदा मतलब अगर क्रोध अधर्म है तो असी भी अधर्म कर रहे जदों क्रोध करते हैं, अगर हेरा फेरी करना अधर्म है तो हेरा फेरी हर बंदा करता है, कोई दुकान पर बह के करता है तो कोई अपने कारोबार च करता है, अधर्म ही तो है वह। पांडव पर स्त्री पर नज़र रखी, द्रौपदी से नज़र रखी, तो अज बंदा अपने आप को देख लवे बाजार से जाता तो कितनियां औरतों की नज़र साड़ी पैंदी है, कई बार मन च किन्ने ख्याल आ जाते हैं, औरत के मन च मर्द को लैके, मर्द के मन च औरत को लैके किन्ने ख्याल आ जाते, वो धर्म नहीं तो फिर की है, अधर्म तो है। हुण इहनू मिटाणा किदां है, फिर श्री कृष्ण ने किदां किया गीता के अंदर कि जदों जदों अधर्म बधेगा तो वह अधर्म को मिटाण की खातर मैं अवतार लाऊंगा। तो वह अवतार का मतलब यह नहीं कि श्री कृष्ण ने उदा अवतरित होना है, वह अवतार का मतलब यह है कि जे तुहाडे अंदर अधर्म है ना तो कितना कितने भगवान भी तुहाडे अंदर ही है, बस उन्हों प्रगट करना। अवतरित का मतलब हुंदा लियाना, सामने प्रगट करना। इसलिए अगर अज सानू नज़र आता कि साडे अंदर अधर्म है, असी झूठ भी बोलते हैं, असी पाप भी करते हैं, तो हुण वक्त आ गया है सतगुरु दे कोलों युक्ति लैके वो श्री कृष्ण की मूर्त को प्रगट करन दा, वो भगवान की मूर्त को अपने अंदर प्रगट करन दा, क्योंकि जिदा जिदा साडे अंदरों परमात्मा की मूर्त प्रगट हुंदी है साडे अंदरों विकार विषय दूर हो जाते हैं। यह गल समझने वाली है जरा, इसलिए थोड़ा गहराई ना समझना इस, इसीलिए तो जरा गौर करना। कहिंदे अधर्म नू मारन दी खातर श्री कृष्ण अर्जुन दे सारथी बने, जरा ध्यान देना सारे जी, श्री कृष्ण ने घोड़े चलाए, और इत्थे भी देखा जाए तो साडा शरीर भी तो एक रथ की तरह ही है, ये पंज इंद्रियां पंज घोड़िया की तरह है, कृष्ण यानी आत्मा और मन जानी अर्जुन जो भटक रहा है, क्योंकि उत्थे अर्जुन नहीं टिकता सी, कृष्ण नूं कई तरीके ने समझाना पैंदा सी अर्जुन इदां कर, पर अर्जुन का मन नहीं, महाराज इदां है, आ इदां है, आ उदां है, जिहड़ी इन्नी गीता का उच्चारण किया सिर्फ अर्जुन नूं समझाण की खातर किया, इहदा मतलब अर्जुन कितना दौड़िया होएगा, तो श्री कृष्ण ने कित्थों कित्थों नूं बन्नण की कोशिश की होएगी। इहदे साडा मन भी हजारों पासे दौड़दा है, साडा मन भी हजारों पासे दौड़दा है, पर उत्थे सानूं भी चाहीदा है, क्योंकि साडे अंदर ही भगवान भी है। जिदा बाबा फरीद की गल याद दिलाना चाहवांगे जाते जाते थोड़े लफ्जां च, कि बाबा फरीद की गल याद दिलाना चाहवांगे, किसी ने बाबा फरीद नूं पुछया कि खुदा कित्थे है, तो बाबा फरीद ने कहा खुदा तेरे अंदर है। उन्हें कहा जी फिर शैतान कित्थे है, बाबा फरीद कहिंदे शैतान भी तेरे अंदर है। वह कहिंदा महाराज ये किदां कि शैतान भी अंदर है तो भगवान भी अंदर है, बाबा फरीद कहिंदे हाँ शैतान भी तेरे अंदर है भगवान भी तेरे अंदर है, यह तेरे ते निर्भर करता है कि तू कैसे हालात पैदा करता है, कि कौन चीज शैतान बाहर आता है या भगवान बाहर आता है, यह तेरे ते निर्भर करता है। जरा समझना सारे जी, क्योंकि तो इंसान के अंदरों ही गुस्सा आ के इंसान इन्ना शैतान बन जाता है, किसी के गला भी बढ़न को तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें वातावरण ही इदा मिलता है। जिदा उदाहरण लै लो एक छोटी जी कहानी, और फिर असी अपनी गल को पूरा करांगे और सत्संग की समाप्ति करांगे। एक छोटी जी कहानी कि एक डाकुआ का ग्रोह सी, उन्हां डाकुआ के कोल एक तोता से, और वो तोता डाकुआ के कोल रहिंदा सी। हुण डाकू जिदा के बोल बोलते सी, मार दो कट दो लुट लो गाली गलोच, तोता भी उदा की बाणी बोलना सीख गया सीगा, तोता प्यारा, पर जदों बोलदा सी तां मार दो कट दो लुट लो धन वंड लो गाली गलोच, बड़ियां गंदियां गालां कढ़दा सी, क्योंकि जिदा के डाकू सी उन्हां ही संगत च रह के तोता उदा का सीख गया। हुण कहिंदे एक दिन राजे की सेना नाल वो डाकुआ का युद्ध हो गया, डाकू मारे गए,
डाकू मारे गए, जो धन लुटिया सी कब्जे च लिया गया, तो तोते वाला पिंजरा भी कब्जे च आ गया। पर जो तोते वाला पिंजरा कब्जे च आया तो जिन्ना भी धन मिलिया सी, जो भी मिलिया सी, राजे दे सामने ढेर ला दिता गया कि महाराज डाकुआं कोलों आ धन मिलिया, तो नाले आ तोते वाला पिंजरा भी मिलिया, आ तोता भी मिलिया। तो राजे नूं तोता बड़ा चंगा लगा। हुण तां तोता डरिया होया सी, सहमिया होया सी, क्योंकि तुसीं इक तोते नूं उहदे घर चों किते नवें घर लै जाओ तां पहलां उहदी पंछी वातावरण नवां हुंदा तां देख के डरी जांदा, सहम जांदा है। हुण तोता कुछ दिन तां चुप रहा, पर राजे नूं सोहणा लगा। राजे ने उहनूं अपने कमरे अंदर, अपने जिथे सौंदा हुंदा सी राजा, उत्थे रख लिया। दो चार दिन तो तोता कुछ बोले ना। राजा रोज़ उन्हूं बदाम दियां गिरियां, काजू मिश्री जानी मेवे पावे। हुण हौली हौली जदों तोता राजे नाल सहमत हो गया, देखिया कि हुण इही मेरा मालिक, तो हुण जदों दो दिन बाद तोता बोलिया, राजा लेटिया होया सी, तोता बोलिया मार दो कट दो लुट लो। वो राजा उठ के बह गया, क्योंकि मार दो कट लो लुट लो अज तक सुनिया ही नहीं सी, क्योंकि हर वेले सैनिक हुंदे सी, सेना हुंदी सी, तां किहदी हिम्मत जिहड़ा राजे मूहरे आ के कहे मार दो कट लो लुट लो। राजा घबरा गया, की हो गया है, कौन मार रहा है, कौन कट रहा, लुट रहा है। फिर राजा उठ के बह गया, चारों पासे देखिया अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि सैनिक दरवाजे ते खड़े है। फिर थोड़ी देर बाद तोता बोलिया मार दो कट लो लुट लो। राजा कहिंदा कमाल दी गल, तोता बोलिया। राजा बड़ा हैरान होया, हुण तां तोते ने शाम तक हुंदे हुंदे तोता कोल मिल गया, तां गाला भी कढ़नियां शुरू कर दियां। राजा कहिंदा फगड़ो इस नूं, लियाओ बाहर, तोता इन्ना प्यारा पर बोल की रहा है, कर की रहा है, ये तो शैतान है, मार दो कट लो लुट लो या गाली गलोच तो सिवा इन आता ही कुछ नहीं है, ये तो शैतान है। मैं इनू पंछी समझता सी, पर ये अंदर तो शैतान है कोई, ले जाओ इनू। कहिंदे फटाफट वजीर आया, तोते दे पिंजरे नूं लै गया। वजीर सारी गल समझ गया कि तोता है तो प्यारा पर बुरी संगत च रहण करके ये अंदरला शैतान बाहर आ गया, क्योंकि उही सिखिया है ना। वजीर कहिंदा हुण इदां करदा है, तोता प्यारा है, इनू मार भी नहीं सकते, उड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उड़ के जिथे भी बैठेगा ना, मार लो कट लो लुट लो ही करना है, और जिहड़ा बेचारा बैठेगा वो भी डर जाएगा, कितों मार लो कट लो लुट लो हो रही है। इसलिए वजीर नूं तरस आया, वजीर वह तोते नूं लैके एक संतां दे कोल चला गया, संतां दी संगत में चला गया कि महाराज इहदी जिंदगी तुसीं बदल सकते हो, देखो इहदी वाणी सुनो। तां जदों संतां ने भी सुनिया, संत कहिंदे वजीर नूं फिकर ना कर, छड़ जा साडे कोल, जदों वक्त आएगा इहनूं वापस लैके आवांगे असीं आप। कहिंदे छड्डिया, एक महीना दो महीने तीन महीने गुजरे, और करदियां करदियां जदों पूरे छे महीने गुजर गए तो फकीर राजे दे महलां च पहुंचे नाल तोते दे पिंजरे नूं लैके। तो राजे ने जदों तोते दा पिंजरा देखिया कहिंदा महाराज शैतान नूं फेर ले, मार दो कट लो लुट लो, इहदा शैतान है, इहनूं क्यों लिया, इहनूं लै जाओ इत्थों। फकीर कहिंदे राजा शैतान सीगा, हुण शैतान रहा नहीं, क्योंकि इहनूं उदां दी संगत मिली सी शैतानां दी, तां इहदा अंदरला शैतान प्रगट हो गया। हुण इहनूं संतां दी संगत मिली, हुण देख की कहिंदा है। हुण कहिंदे रखिया, हुण जदों तोता बोलिया, संतां ने इशारा कीता बोल, तां हुण उह परमात्मा दे नाम दी ध्वनि दे रहा है, परमात्मा दा नाम बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, श्लोक बोल रहा है, बड़ी मिठी बाणी बोल रहा है। राजा कहिंदा है उही तोता है कि बदल गया? फकीर कहिंदे है उही, बस संगत बदल गई तां इहदी रंगत बदल गई। राजा कहिंदा कमाल दी गल, पहला बोलदा सी तां इदां लगदा ही शैतान बोल रहा है, हुण बोलदा तां इदां लगदा इहदे अंदर बैठा भगवान बोल रहा है, इन्नी मिठी बाणी। फकीर कहिंदे इही तां गल है राजा, इंसान दे अंदर ही है शैतान भी, इंसान दे अंदर ही है भगवान भी, उहनूं जिद्दां दी संगत मिलदी उही चीज़ उहदे अंदरों बाहर आ जाती है। तुसीं शराबियां कोल बैठो तां तुहाडे अंदरों उही रंग चढ़ जाएगा, तुहाडे अंदरों उही रंग बाहर आना शुरू हो जाएगा, शराब पी के गाली गलोच करनी। तुसीं जुआरियां कोल बह जाओ, तुहाडे अंदरों जुआरी का रंग बाहर आना शुरू हो जाएगा, तुसीं भी सब कुछ दाते लाण नूं तैयार हो जाओगे। पर जे तुसीं संतां दी संगत करोगे, रब दे प्यारियां दी संगत करोगे, तां फिर तुहाडे अंदरों उही रंग बाहर आना है जो संतां दा रंग है। इसलिए भगवान भी तुहाडे अंदर है, शैतान भी तुहाडे अंदर है, पर इह तुहाडे ते निर्भर करदा कि तुसीं संगत कैसी करदे हो। समझ लो, जदों बुरी संगत करदे हां तां असीं शैतान दे बीज नूं जमीन दे रहे हां पैदा होण वास्ते, फिर शैतान ही पैदा हुंदा है। तां जदों असीं सत संगत विच बहिंदे हां, संतां दी संगत करदे हां, तां फिर असीं अपने अंदरले भगवान नूं बाहर आण दी समां दे रहे हां, मौका दे रहे हां, फिर साडे अंदर छुपिया होया भगवान बाहर आंदा है, फिर भगवान नूं बाहर आण दी संभावना दे रहे हां। इसलिए यह तुसीं देखना है कि जिदां श्री कृष्ण ने कहा कि जदों जदों धर्म अधर्म वधदा है उदों उदों
मैं धर्म नूं बचाउण वास्ते आंदा हाँ। हुण जरा जे असी बैठे रहीए कि दुनिया ते झूठ हुंदा हो ही जावे, आणगे कृष्ण ते इन्ने सालां च नहीं आए हाले तक, किन्ने हज़ार साल हो गए उन्हां नूं, किन्नी मारकाट मची जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान बनिया, किन्ना धर्म दे नां ते अधर्म होया, किन्ना हिंदू मुसलमाना ने या किन्ना धर्म दे नां ते घरां नूं जलाया गया, लुटिया गया, किन्नियां औरतां दी इज्जतां लुटियां गईयां, किन्ने बच्चियां नूं जिंदा जलाया गया धर्म दे नां ते। इन्ना अधर्म हो रहा सी, जे उन्हां ने इदां आना हुंदा तां उदों नहीं आए। जे आपां इदां हथ ते हथ रख के बैठे रहीए कि जदों अधर्म बच जाएगा तां आणगे कोई अवतार, आणगा आएगा कोई अवतार, वह तलवार लैके लड़ेगा, तो हुण तीरां तलवारां दी तां गल ही नहीं रही, हुण तां गल ही एटम बंबा ते पहुँच गई है, परमाणु बंबा ते पहुँच गई है कि एक बंब चलिया तां पूरी दुनिया खत्म। इसलिए समझो जरा सारे जी, हुण तां इक्को ही गल है श्री कृष्ण के वचनां नूं समझण दी कि सानूं अपने अंदरले भगवान नूं अवतरित करना पएगा, अपने अंदरली अच्छाई नूं प्रगट करना पएगा, क्योंकि जदों साडे अंदरली अच्छाई प्रगट हो गई तां अपने आप धर्म दा नाश हो जाएगा। जरा सोचो, जदों तुहाडे अंदर प्रभु दा इश्क पैदा हो गया तां तुसीं किसे नाल अधर्म कर ही नहीं सकते, किसे दे छुरी पेट च मार ही नहीं सकते, किसे दी गर्दन वड ही नहीं सकते, क्योंकि तुहाडे अंदर प्रभु का प्रेम पैदा हो गया। इसलिए श्री कृष्ण के कहण का मतलब जो गीता के अंदर है अपनी समझ के मुताबिक कह रहे हैं, असं नहीं तो अर्थ करने वाले तो यही कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे, अवतार द्वारा आएगा कोई ना कोई नवा अवतार, और फिर आके जुल्म ना लड़ेगा, जिदा कृष्ण लड़े कौरवों के नाल, इदे फिर कोई अवतार आके अधर्म ना लड़ेगा। तो जरा गौर करो, जे इस बार अवतार आया तो उन्होंने तो फिर सारी मनुखता ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर मनुख के अंदर अधर्म है, हर मनुख के अंदर कुछ ना कुछ बुराई है। इसलिए अज इदा अवतार नूं उड़ीकण दी जरूरत नहीं है, इदा किसी अवतार ने अवतरित नहीं होना, अज सानू अपने अंदरले अवतार नूं असली अपने रूप नूं पहचानना पएगा, क्योंकि परमात्मा साडे सब दे अंदर है। जदों थोड़ी जी मेहनत करके असी अपने अंदरले वो परमात्मा नूं प्रगट कर लिया तो समझ लो साडे अंदर प्रभु अवतरित हो गया। क्योंकि इत्थे कोई गल कहना चाहवांगे कि नर नारायणी रूप है, तू ना समझे देह, ये देही नूं सिर्फ देह ना समझो, ये देह दे अंदर ही नारायण भी छुपया होया है। इसलिए नर नारायणी रूप है, तू मत समझे देह, जो समझे तो हरी मिले, ना समझे तो खे। ये समझ लिया तो ये अंदर ही हरी मिल जाएगा, ये अंदर ही वो प्रभु अवतार अवतरित हो जाएगा, ये अंदर ही प्रभु आ जाएगा। तो जे ना समझे तो फिर एक दिन मिट्टी तो होना ही है। इसलिए ऐसी युक्ति सानू गुरुआं रहवरां को लैनी चाहिए है कि महाराज हुण मेरे अंदर अधर्म बहुत हो गया, बहुत पाप कर ले, मैं बहुत माड़े काम कर ले, हुण कृपा करो कि मेरे अंदर ही वो अवतार प्रगट हो जाए, हुण मेरे अंदर ही प्रभु की मूर्त प्रगट हो जाए, हुण मेरे अंदर ही परमात्मा मेरे सामने आ जाए, क्योंकि वह सामने आ गया तो अपने आप ही अधर्म खत्म हो जाएगा, साडे जीवन चो अधर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए तो जीसस के अंदरों परमात्मा प्रगट होया, तो जिन्होंने सलीब ते चढ़ाया उन्होंने उन्होंने वास्ते भी भलाई की दुआई मंगी, दुआ मंगी, उन्होंने वास्ते भी भलाई की प्रार्थना की कि रब भला करे, क्योंकि उन्होंने अंदर हुण अधर्म है ही नहीं। अधर्म का मतलब बुरा करना, जदों असी किसी का भी बुरा करते हैं तो वह अधर्म है। इसलिए जदों साडे अंदर वो आनंद अवतरित हो गया, परमात्मा प्रगट हो गया, तो समझ लो वह परमात्मा ने जन्म लै लिया साडे अंदर, तो हुण साडे जीवन च कोई बुराई रह ही नहीं जाएगी, फिर साडे जीवन च अच्छाई ही अच्छाई होएगी। इसलिए इत्थे श्लोक का मतलब ये समझ लेना, जरा समझना सारे जीवन ने ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना कि जिस तरह दसिया होया है कि श्री कृष्ण ने जो गल कही है। इसलिए सानू किसी अवतार के इंतजार च नहीं बैठना चाहिए कि अवतार आएगा, हुण तक तो आया नहीं, पता नहीं होर कदों तक इंतजार करना पएगा, लखां लोग आए मर गए चले गए, पर असी कहांगे कि तुहाडे सब दे अंदर अवतार बैठा होया है। इसलिए बाहरों ना उड़ीको, तुहाडे सब दे अंदर प्रभु अवतार लैके बैठा होया है, जन्म के नाल ही परमात्मा तुहाडे अंदर है, जन्म के नाल ही प्रभु तुहाडे अंदर है। अगर तुसीं थोड़ी जी मेहनत कर लो तो तुहाडे अंदर हुणे ही उह इस जन्म च अवतरित हो सकता, प्रगट हो सकता, बस उहदी खातर थोड़े स्टैप उठाने हैं, उहदी खातर कुछ ध्यान दीआं विधियां, जिदां हुण असीं दरबार ते सवेरे शाम ध्यान करवाउंदे आ, सवेरे 6 तो 7 और शाम नूं 7 तो 8, यह ध्यान क्यों करवाउंदे आ, तां कि तुहाडे अंदरों वह परमात्मा नूं प्रगट किया जा सके, क्योंकि तुहाडे अंदर ही है वह। इले जांदे जांदे दस देवांगे, जिस तरह पत्थर के अंदर ही मूर्ति हुंदी है, बस मूर्तिकार सट्टा मार मार के व्यर्थ नूं झाड़दा है तो जो बचता है वह मूरत हुंदी है। इसी तरह परमात्मा की मूरत तुहाडे अंदर ही है, बस व्यर्थ नूं झाड़न की लोड़ है, जदों व्यर्थ हट गया
तो जो अंदरों प्रगट होएगा परमात्मा की मूरत होएगी। इसलिए जिहड़ा भी जीव वह ध्यान में शामिल होना चाहता है वो वास्ते दरवाजे खुले है, जिस तरह दसिया सवेरे 6 to 7 और शाम को 7 to 8 वो वास्ते तुसी सेवादारा नाल संपर्क कर सकते हो। अगर असी भी चाहते हाँ कि हुण अपने अंदरले धर्म का नाश करिए और अपने अंदरों भगवान की मूरत को प्रगट कर लीए तो फिर तुसी भी उस तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हो और अपनी जिंदगी अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इसलिए आओ हुण आखरले वचना च यही कहांगे कि अगर परमात्मा ने यह जिंदगी दिती है तो बुरा करदिया ही जिंदगी ना गुजर जाए, दुखों में ही जिंदगी ना गुजर जाए, यह जिंदगी आनंद आ सकता है, यह जिंदगी खुशियां आ सकदियां, यह जिंदगी सुख आ सकता है। क्यों क्यों आ सकता है? क्योंकि सुख तुहाडे अंदर है। जरा समझना सारे जीवन ने, जिदा एक बच्चा दावा करता है कि यह मेरे बाप की जमीन है, यह मेरे बाप का मकान है, इतने मेरा पूरा हक है। बच्चा दावा करता कि नहीं? जे कोई दूजा कब्जा करे तो बच्चा दावा करके वो हक लैण नू फिरदा है कि मेरे बाप दी है, इत्थे मेरा पूरा हक है, मैं लैके रहना है। तो इस तरह तुहाडा परम पिता परमात्मा परमानंद है, वो परम पिता परमात्मा परम मोक्ष है, तुसी उहदे अंश हो। तुसी भी दावा करदे हो कि आनंद लैण दा हक मेरा है तो मैं आनंद लैके रहना है, उस परमात्मा तक पहुँचण दा हक मेरा है और मैं उहनू पा के रहना है। और हर आत्मा चाहे कोई जिन्ना मर्जी बड़ा शराबी होवे, कोई जिन्ना मर्जी बड़ा पापी होवे, हर आत्मा पूरा हक रखती है उन्हें पाण दा, क्योंकि हर आत्मा जिथे भी बीज है उत्थे संभावना है वृक्ष होण दी, जिथे भी आत्मा है उत्थे परमात्मा है, बस जरूरत है उन्हें प्रगट करन दी। जिदा तोते नूं चंगी संगत मिली तो उहदे अंदरों भगवान दे शलोक पैदा हो गए, तो जो माड़ी संगत मिली शैतान पैदा हो गया। इस तरह हर आत्मा, क्योंकि आत्मा तो शराबी अंदर भी उन्नी है तो एक साधु अंदर भी उन्नी है, पर साधु ने अपनी आत्मा प्रगट कर लिया है तो साधु हो गया, शराबी ने अपनी आत्मा प्रगट नहीं किया, वह आत्मा जान ही नहीं पाया, वह शरीर की गंदगी च फसया होया है, इसलिए वह बुरे काम कर रहा है। तो सब के अंदर परमात्मा रूपी हीरा है, बस जरूरत है इनू बाहर लियाण दी। अगर थोड़ी जी कोशिश करो तो बड़े तो बड़ा पापी भी परमात्मा पा सकता है, बड़े तो बड़ा चोर ठग भी परमात्मा हासिल कर सकता है, क्योंकि जिदे अंदर भी आत्मा है, जिदे अंदर भी श्वास चल रही है, जीवन है, जिथे जीवन है उत्थे परमात्मा है। इन्नी गल याद रखना। हाँ, जदों मर गए तो फिर चाहे कोई भी होवे, मुर्दा कभी रब न पा नहीं सकता, क्योंकि हुण तां गल ही खत्म हो गई। इसलिए जब तक तुहाडे श्वास चल रहे हैं, अगर तुसी चाहो तो तुहाडी जिंदगी बदल सकती है, तुसी मंगतियां तो बादशाह बन सकते हो, तुसी दुखां चो परम सुख की तरफ जा सकते हो, अगर थोड़ी जी कोशिश करो। इसलिए आओ वह परमानंद की तरफ, वह प्रभु की खातर अपने कदम उधर नूं वधा दईए, ताकि साडी जिंदगी ये साडा जीवन खुशियां दे नाल भरपूर हो जाए। और हुण समा काफ़ी हो गया है, इसलिए आखरले वचना च यही कहांगे कि परमात्मा ने जिंदगी दिती है तो सिमरन नाल जुड़ के, शब्द नाल जुड़ के, सब नाल प्रेम करदियां होइयां असीं अपनी जिंदगी बिता दईए। और ये जिहड़ा साडे चारों तरफ दीवारां है, साडे चारों तरफ कैद खाने आ जातां पातां दे धर्मां दे, इन्हां नूं गिरा दईए, क्योंकि ये गल फिर कहांगे जांदे जांदे कि जिहड़ी चीज़ इंसान नूं इंसान नाल नहीं मिलन दिंदी वह कदी भी परमात्मा नाल सानू मिलाई नहीं सकती। इसलिए वो चीज़ गिरा दिओ अपने दरमियानों जो सानू इंसान नाल मिल तो रोकती है, चाहे वह धन दौलत दियां दीवारां है, जाति पाति दियां दीवारां है, या कोई भी दीवार है, गिराओ उसनू, क्योंकि इंसान तो इंसान नू खुल के मिले, प्यार नाल मिले, मुस्कुरा के मिले। और जदों एक इंसान नू बिना किसी धर्म जात पात तो खुश होकर प्रेम नाल मिलना सीख लिया तो फिर देखियो प्रेम नाल इंसानां नू मिलदियां मिलदियां एक दिन परमात्मा नाल भी साडी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेम के द्वार खुलते हैं तो फिर वह प्रेम परमात्मा आप ही खिंच लैंदा है। इसलिए परमात्मा तुहाडे तक भी आएगा, बस अंदर प्रेम पैदा कर लो। यही गल सोचो कि मैनू किसी नाल नफरत नहीं, मैनू किसी नाल वैर नहीं, बस परमात्मा सरबत का भला कर, मैनू सब नाल ही प्रेम है, क्योंकि यह मेरे मालिक तू सब नू बनाया है, तू ही सब के अंदर वसदा है, इसलिए तू सब नू बनाया, तू सब के अंदर बैठा है, तो मैनू सब नाल ही प्रेम है, क्योंकि मैं तेरे नाल प्रेम करदा हाँ तो तेरी बनाई हुई चीज़ नाल नफरत किदां कर सकता हाँ, मैं तेरे नाल प्रेम करदा हाँ तो तेरी बनाई हुई चीज़ नूं माड़ा किदां कह सकता हाँ, मैं तेरे नाल प्रेम करदा इसलिए मैनू हर शै नाल प्रेम है। इसलिए आओ प्रेम दे द्वार खोल दईए, और जदों प्रेम दे द्वार खुल गए तो याद रखना साच कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो, उन्हां नूं ही प्रभु मिलता है। इसलिए असीं भी अपने अंदरों होण दी अवतरित वह परमात्मा नूं, ताकि साडा जीवन भी आनंदमय बन जाए। इसलिए आओ नाम नाल जुड़िए, शब्द नाल जुड़िए और अपनी जिंदगी नूं अपने जीवन नूं
आनंदमय बनाइए। और हुण इन्हां वचनों के नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग समाप्त करन तो पहलां आने वाले कुछ प्रोग्राम, जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि अज 25 तरीक है और ठीक एक महीने बाद हजूर शहनशाह सूफी फकीर नसीब शाह जी का महान पवित्र प्रगट दिवस आ रहा है, यानी 24 तरीक तो प्रभात फेरियां शुरू हो जानियां है। फिर पहली तरीक की रथ यात्रा भी है और पहली तरीक न ही बीबी हजूर जी की प्रतिमा की स्थापना भी की जानी है। हुशियारपुरों शोभा यात्रा के रूप में वो प्रतिमा लियांदी जाएगी। और ये मौका जीवन च कोई वार आना है याद रखना, क्योंकि जन्मदिन तो हर साल आएगा पर प्रतिमा की स्थापना का दिन वो एक बार आना है। जिदा सन 2010 में बड़े मालक की प्रतिमा की स्थापना की गई सी, तो उस वेले जिहड़े जिहड़े जीव नाल चल के आए सी वो शोभा यात्रा में शामिल होए सी, उन्होंने वो नज़ारा देख लिया। तो जे हुण ऐसी कहीए कि असी दोबारा नज़ारा देख लीए तो हुण बार बार थोड़ी प्रतिमा लियाई जानी रखी जानी, वो तो एक बार रख हो गई तो हुण सारी जिंदगी दर्शन करने हैं। इसलिए याद रखना कि 1 अक्तूबर को शोभा यात्रा रूप में बीबी हजूर जी की प्रतिमा लियांदी जाएगी, उहदे विच भी हुम हुम आ के शामिल होना है। और 2 तरीक सवेरे मालिक जी के दरबार च पहला निशान साहब की चढ़ाई होएगी, फिर दशालिया की रसम अदा होएगी, फिर सत्संग या मालकां दे जन्मदिन का आनंद मानना है। सो ये 2 दिनों का जो महान ये त्यौहार आ रहा है 1 और 2, असी सारे ने हुम हुम आ के उहदे च पहुँचना है। और नाल ही एक गल कहांगे कि जिन्हें भी दिन त्यौहार मनाए जाते हैं ये जीवों के प्यारियां दे सहयोग नाल ही मनाए जाते हैं। इसलिए जिन्ना भी हो सके, क्योंकि ये 2 दिन बड़े खास है और असीं चाहते हैं कि इन दिनों नूं यादगार बना दईए, इन दिनों नूं ऐसा बना दईए कि दुनिया मिसाल देवे कि देखो बई इन बच्चों ने रल मिल के अपने मालकां दा दिन कितना अच्छा मनाया। और उहदे वास्ते तुहाडे तन मन धन दे सहयोग की पूरी जरूरत है, क्योंकि जे थोड़ा थोड़ा भी इंसान करे तो जिस तरह कहिंदे ना बूंद बूंद नाल घड़ा भर जांदा है, अगर रल मिल के जिन्नी भी साडी हिम्मत है उहदे अनुसार असीं योगदान पाईए, क्योंकि उदा भी तो इंसान के घर किसी बच्चे का या किसी रिश्तेदार का जन्मदिन आता है तो बंदा कहता चलो 2-4 हज़ार के कपड़े ही दे दौ, कोई गिफ्ट ही दे दौ, 1100 2100 ये तो बंदा नॉर्मली खर्च दिता है। तो फिर यह तो साढ़े मालकों का साढ़े सतगुरों का महान दिन है, इसलिए असी कोशिश करनी है कि जिन्ना भी किसी बंदिश नहीं है, क्योंकि सेवा उही होंगी जो प्रेम नाल की जाए, जो प्यार नाल की जाए। अगर प्रेम नाल तुसी सहयोग देना चाहते हो तो सेवादारा नूं अपना नाम लिखा सकते हो, क्योंकि जदों इंसान कोई भी त्यौहार करता है तो उहदा एक बजट तैयार किया जाता, फिर उहदे मुताबिक ही सारी प्लैनिंग की जाती है। तुहाडा अगर मन च है कोई चाहता कि मैं 2100 की सेवा कर सकता, कोई कहता मैं 3100 की कर सकता, कोई जिनी भी अपनी शरदा अनुसार वो सेवादारा नूं अपना नाम दे सकता है। बेशक अज नहीं, सेवा 11वीं नूं दे दिओ या 2 अक्तूबर तो पहला पहला जदों भी टाइम लगे वो सेवा तुसी लिया के दे सकते हो। जरूरी नहीं होंदा कि अज ही देनी है, पर पता होना चाहिए है कि किन्ने के जीव सहयोग दे रहे हैं, उहदा की बजट बन रहा, तो उस हिसाब नाल फिर सारी प्लैनिंग की जाए, क्योंकि ये मौका मिल रहा है किस्मत नाल अगर सानू योगदान पाण दा। क्योंकि एक गल दस दईए कि गुरु रहवर अपनी वाणी च लिख गए है या संत कबीर जी ने भी लिखिया है कि कंचन दिया करण ने द्रौपदी दीना चीर, जो दीना सो पाया कह गए दास कबीर। कबीर साहब कहिंदे करण ने एक सोने का दंद, क्योंकि एक भिक्षु आया सी उहदे कोल मंगण वास्ते कि करण मैनू कुछ दे, तो उसले करण नदी ते नहा रहा सी, उहदे कोल कुछ भी नहीं सी सिर्फ कपड़े ही सी, तो उन्हें कहा मैं की देवा, भिक्षु कहता जो मर्जी दे दे। तो करण नूं याद आया कि मैं अपने मुँह च एक दंद ते सोने का खोल चढ़ाया होया है, तो करण ने कहिंदे पत्थर चकिया जोर नाल मुँह ते मारिया, खून निकल लग गया, दंद हिलिया, तोड़ के उन्हूं देता कि मैं इस वेले यही दे सकदा। तो उस साधु ने बचन कीते सी कि तू मैनू सोना दान किया तो जा, रब तैनू इन्ना सोना देवे कि तैनू कमी ना रह जाए। और फिर कहिंदे करण नूं राज मिलिया, ये तो पढ़ के देखो इतिहास में कि उन्हूं वो राज मिलिया कि वो महल के पिलर भी सोने के सी, कहिंदे करण ने कंचन दिता तो उन्हूं कंचन मिल गया। और द्रौपदी की गल तो तुसी सारे जानते हो कि जदों दुरशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारन की कोशिश की तो कहिंदे उसले कृष्ण पहुँचे मदद वास्ते, साड़ी का ढेर लग गया पर साड़ी खत्म नहीं हुई। हुण ये सारा जानता जग कि जदों दुरशासन ने चीरहरण किया तो दुरशासन थक गया, साड़ियाँ के ढेर लग गए, कपड़े के ढेर लग गए पर कपड़ा खत्म नहीं होया। वो कपड़ा आया कितों, किसी को पता है बारे?
कहिंदे कृष्ण ने भेजिया, पर किदां भेजिया, क्यों भेजिया, उहदी वी कहानी है कि एक दिन एक आदमी तलवार लैके आया श्री कृष्ण वास्ते कि महाराज ये धार बड़ी तेज है। तो कृष्ण कहिंदे अच्छा, हसदिया होया म्यान चो तलवार कढ लई और कहिंदे उंगली फेर के देखण लगे धार और जान के जोर ना उंगली फेरी कि उंगली चो खून निकल लग गया। कोल ही द्रौपदी खड़ी सी, पांडव भी खड़े सी, जो द्रौपदी ने देखिया दौड़ के गई, अपनी साड़ी का कपड़ा पाड़िया और उंगली ते बनता है और कहिंदी ये तुसीं की कर रहे हो, जब पता तलवार तेज है तो फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहिंदे द्रौपदी इसे लिए तो चीरा लवाया ताकि तू सानू अपनी साड़ी का कपड़ा दान कर सके, दे सके सानू। कहिंदी महाराज वो क्यों उदा मंग लेंदे, कहिंदे उदा मंगण की गल होर है, खुशी ना देण की गल होर है। कहिंदी इन्ना क लीर एक कपड़े दित्ती इहदा की होएगा, कहिंदे वक्त आण ते दसांगे कपड़ा की होएगा, की कर सकता है। कहिंदे ओ उन्ना क साड़ी का कपड़ा कृष्ण नूं दित्ता सी द्रौपदी ने, तो जो टाइम आया चीर हरण करन दा तां ओ किन्ना गुणा करके कृष्ण ने मोड़िया। इंसान रब दे रस्ते एक रुपया खर्च करता तो रब कई गुणा करके बरकतां पा के उन्हूं मोड़दा भी है। इसलिए कहिंदे धन दे दान करन नाल धन च बरकत हुंदी है, घटदा कदे नहीं। फर्ज करो इहनूं इदां समझ लो कि इंसान दे कोल 10 रुपए है, एक इंसान सोचता कि 10 रुपए का मैं कुछ लैके खाला खाना खा लवां, और एक इंसान सोचता 10 रुपए मैं किसी दान च पा देवां। हुण जिहड़ा खाना खा लिया उह 10 दे 10 ही रह गए क्योंकि इस्तेमाल हो गए अपने ते, पर जदों रब दे रस्ते दे दित्ता तां रब ने देखना इहनां 10 मेरे नाँ ते दित्ते, तैनूं कई बिंदियां ला के दुबारा वापस भी देना है, उह च बरकत हुंदी है। इस करके अगर रब दे रस्ते इंसान एक भी खर्चदा है तो घटदा कदी नहीं, उह च वाधा हुंदा है। इसलिए तुसीं भी कोशिश करो, किसी वास्ते कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्यार दी गल है। अगर किसी नूं लगता है कि मैं सेवा करवाना चाहता हाँ तो सेवादारा नूं अपने नाम दे सकदा, फिर जदों उन्हूं लगता उदों आके अपनी सेवा भी फिर वो दे सकदा है। क्योंकि जो भी दिन त्यौहार मनाए जाते हैं ये बच्चों के सहयोग के नाल ही, प्यारियां दे सहयोग नाल ही मनाए जाते हैं। जिदा तुसीं इदां समझ लो कि एक बाप के चार बच्चे है, जे बाप ने कोई दिन मनाना होवे ना तो बाप कहिंदा बच्चों मेरे नाल हो, तो बच्चे कहिंदे हाँ पिता जी नाल करो जो करना, जिन्नी साडी हिम्मत है तुहाडे नाल, तो बाप नूं खुशी हुंदी है। इसी तरह साडे मालकां दा दिन है, साडे सब दे सतगुर दा दिन है, सो असीं भी अपनी हिम्मत अनुसार जिन्नी भी हिम्मत है उहदे अनुसार योगदान पाइए ताकि उह दिन नूं अच्छे ढंग नाल मनाया जावे और शरीरिक तौर पर भी उस दिन पहुँचीए और वह रहमतां दा आनंद माणीए, वह बख्शिशां दा आनंद माणीए और अपने जीवन नूं अपनी जिंदगी नूं सफल बनाइए। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरना च अरदास बेनती करांगे कि अज वीरवार दे सरोज ते जिन्ने भी जीव उस मालिक दे दर ते अपनी हाजरी लगा रहे है, मालिक अपनी रहमत अपनी कृपा दया मेहर हमेशा तुहाडे सब जीवां ते बनाए रखन और तुहाडी हाजरी नूं अपने दर ते कबूल करन। और कई जीव अज उस मालिक दे नाम दीआं खुशी दीआं नियाज़ां लै के आए है, सो जिहड़े जीव खुशी दी नियाज़ लै के आए है मालिक उहनां दी खुशी दी नियाज़ नूं कबूल करन और जीवां दी झोली 'च खुशियां ही खुशियां पा देण तां कि उहनां नूं दुखां दी फरियाद करन दी कदी लोड़ ही ना पवे। और जे कोई जीव अपनी तकलीफ दुख की नियाज़ लैके आया है तो मालक उन्हां दी दुखां दी नियाज़ नूं कबूल करन और जिस भावना नाल ओह जीव नियाज़ दे रहा मालक उन्हां दी भावना नूं मनोकामना नूं पूर्ण करन। और जिस परिवार की तरफों अज्ज दा इह सत्संग है, जिस तरह के पहला दस्या ही है कि रायपुर डब्बा तो यह मूवी मेकर विला जिहदी तरफों अज्ज दा इह सत्संग है, मालक इस परिवार ते भी अपनी रहमत अपनी बख्शिश हमेशा बनाई रखे। ये परिवार ने अज्ज दे सत्संग दीआं रहमतां लईआं है तो परिवार हमेशा खुशियां रहमतां बरकतां दे नाल भरपूर रहे, इन्हां बच्चों भी जीवन च कोई कमी ना आवे क्योंकि बच्चों का जन्मदिन मनाया गया, मालिक उन्हां बच्चों भी खुशियां बख्शन रहमतां बख्शन। और एक चीज़ तुसीं देखी होनी है कि केक कट्टन तो बाद बच्चों की मम्मी ने 10 मिनट लाए सानू अपनी अपबीती सुनाई, पर हुण समां नहीं है क्योंकि बड़ी प्यारी घटना दसी असीं फटाफट दसांगे क्योंकि याद आ गया सानू कि वह दस रहे थे कि उन्हें छोटी बेटी जी देखी उन्हें केक कट्टन वेले नाल खड़ी सी जिहदा नाम नवजोत है, कहिंदे बहुत बीमार हो गई सी, इन्नी बीमार हो गई सी हॉस्पिटल दाखिल, 3 दिन बच्ची ने कुछ नहीं खाधा, तो डॉक्टर भी कहिंदे सी भी कम खराब ही है, अगर कुछ खाएगी नहीं तो मुश्किल है। तो कहिंदे असीं भी बड़े टेंशन च परेशानी च, यही नाले रो रो के शुक्र कर रहे थे कि मालको ये तुसीं जिंदगी दित्ती बच्ची नूं, और नाले दस रही सी कि 3 दिन हॉस्पिटल दाखिल रहे, इदां दी हालत कुछ खाधा नहीं बच्ची ने, उन्होंने तो बहुत लंबे चौड़े ढंग नाल समझाया पर हुण टाइम की कमी है इसलिए गल याद आ गई तां दसण लगे है कि 3 दिन इदां दी हालत कि अखां भी नहीं खोलदी सी, असीं तां रो रो के दिन कढे। पर एक दिन ऐसा आया वीरवार का दिन
कहिंदे मंगलवार नूं हॉस्पिटल एडमिट किया, फिर वीरवार का दिन आ गया। वीरवार का दिन आया तो मैं बैठी हुई हाँ, इन्हें बख ले, लेटी लेटी ने बैड तो बख ले ली और फिर कुछ बोलन लग पई, कुछ बोल रही है, मैनू समझ नहीं आ रही की बोल रही है। तो मैं तो सोचा कि दिमाग में बुखार चढ़िया, जिदा डॉक्टर कहिंदे बीमार है, लगता इनू कोई उदा ना हो जाए कुछ, क्योंकि तीन दिनों तो खाधा भी कुछ नहीं, ग्लूकोज लग रहा है, डॉक्टर दसते इन्फेक्शन काफ़ी है, बख कर लिया, कुछ बोलन लग गई। मैं डर गई कि उदे बोल रही है नींद में या बेहोशी में बोल रही है, दिमाग में बुखार चढ़िया, कितने पागल तो नहीं हो गई। कहती थोड़ी देर बाद सीधी हुई तो इन्हें अखा खोलिया, तो मैं इनू कहा बेटा मालक अगे फरियाद कर कि मालको मैं ठीक करो। तो कहती पता वो की कहती कि मालका खड़े तो है, मालका नाल तो मैं गल्ला कर रही सी, कि मालका नाल ही तो मैं गल्ला कर रही सी। आ बिल्ला भी गवाह है चीज़ का, भी उत्थे ही सी और मम्मी तो दस ही रही सी सानू, क्योंकि तुसी देखिया भी इन्नी देर यही गल कर रही सी साडे नाल। ये कोई कहानी नहीं सुना रहे हो, आप बीती दस रहे है, और कोई ज्यादा सालों की गल भी नहीं, थोड़े चंद महीने पहलों की गल है, ये गल समझने वाली है। वो कहती मालकां नाल ही तो मैं गल कर रही सी, कहती मैं हैरान हो गई। फिर मैनू पता की कहती, मम्मी भुख लगी रोटी मंगा, मक्की की रोटी खानी है। मैं कहती मैं फटाफट फोन किया खुशी नाल कि घरों रोटी बना के लियाओ। कहते तीन दिन बाद अद्धी रोटी मक्की की कुड़ी ने खाधी, फिर और फिर तीन दिन बाद जिन्हें कुछ खाधा ही नहीं सी, कि मालक खड़े है, मालक आ गए है, प्यार दे गए है, कहते हूँ तू ठीक हो जाना, हूँ मम्मी रोटी खानी है, रोटी मंगा। तो बेनती कर दे कि मालक वो बच्ची तुसी नवी जिंदगी दी है, इस संगत को जरूर दस्यो। वो सानू हुण इन्हें सत्संग की गल याद आई तो घटना याद आ गई कि इदां दीआं रहमतां, अगर इंसान ने अपनी जिंदगी मालिक नाल जुड़ी होवे ना, तो जिथे भी इंसान नू जरूरत हुंदी है, संकट आंदा है, मालक उहदी मदद वास्ते पहुँच जांदे। नहीं तो डॉक्टर तां दवाइयां तीन दिन तो दे रहे सी, पर जिहड़ा काम मालक की रहमत ने करना है वह मालक की रहमत ही कर सकती है, उत्थे डॉक्टर वैद हकीम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुसी भी अपने अंदर मालिक के प्रति प्रेम पैदा करो, विश्वास पैदा करो, क्योंकि याद रखो कि जिथे मालिक ने साडे काम आना है, उत्थे किसी सज्जन मित्र या किसी दुनिया के इंसान ने साडा साथ नहीं देना। जिथे साडे सतगुर ने साडी बांह फड़नी है, साडे मालिक ने साडी बांह फड़नी है। इसलिए आओ असी अपनी जिंदगी नू, अपने जीवन नू अपने मालिक के चरणों नाल जोड़ दईए, विश्वास रखिए अपने मालिक के उपर, क्योंकि जिहड़ा यकीन विश्वास रखता उन्हूं जीवन च कोई कमी नहीं आती। सो जिन्हें भी जीव अज आए है, मालिक सब ते रहमत करन, सब दियां नियाज़ां नू कबूल करन और सब नू ताकत देन कि वह नाम नाल जुड़ के सिमरन करके सेवा करके अपनी जिंदगी नू सफल बना सकन। सो मालिक अपनी कृपा दया दृष्टि हमेशा तुहाडे ते बनाए रखे, यही साडी उस मालिक दे चरणा च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे हुए उस मालिक नू असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो और साडे वल्लों बंदगी तुहानू सारिआं जीवां नू।